मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स एंड टेकिंग अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर स्टडीज. अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू चैप्टर 6, द वाइल्ड स्वैन्स बाय एच सी एंडरसन. एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर. एंड To start with, I'm going to explain you the word meanings. First is dwelt. D-W-E-L-T. Dwelt means lived. Rehna. Peasant. Farmer. Kisan. Hovered. Flew over an area. Hovered means नीचे नीचे उड़ना और एक ही जगह पर गोल गोल घूमते रहना, उड़ते रहना, इज कॉल्ड होवर्ड. ऑब्लाइज्ड इज ग्रेटफुल, एहसान मानना. ईविल विकेड, क्रूएल. वेनमस पॉइजनस, जहरीला, जहरीला. टेंगल्ड नॉटेड, उलझा हुआ, गांठ लगा हुआ. स्मीयर्ड covered with dirt, धूल मिट्टी से सना हुआ. disgusting is awful, बुरा, खराब लगने वाला. sorrowfully, sadly, sorrowfully means दुख के साथ. stole away, ran away quietly, चुपचाप चले जाना. determined, very sure, पक्का पक्का. जब हम किसी चीज़ के लिए पक्का इरादा कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय, देन इट इज़ कॉल्ड डिटरमाइंड. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट इज व्हाट हैपेंड टू द 11 प्रिंसेस आफ्टर द विकेड क्वीन केम टू द पैलेस. मीन्स उन 11 राजकुमारों के साथ क्या हुआ जब वो विकेड क्वीन, बुरी, क्रूएल क्वीन पैलेस में आ गई, महल में आ गई. द आंसर इज द विकेड क्वीन आस्क्स देम टू टर्न इनटू वाइल्ड स्वैन्स. जो विकेड क्वीन थी उसने उन लोगों से, किससे, उन 11 प्रिंसेस से कहा कि आप लोग वाइल्ड स्वैन्स में बदल जाओ, टर्न हो जाओ, मीन्स बदल जाओ, चेंज हो जाओ, मीन्स लड़कों की जगह आप हंस बन जाओ. सो देवर टर्न्ड इंटू 11 ब्यूटिफुल वाइल्ड स्वैन्स. तो इसलिए वो 11 राजकुमार खूबसूरत से वाइल्ड स्वैन्स में चेंज हो गए. और फिर क्या किया, एंड फ्लू थ्रू द विंडोज ऑफ द पैलेस. और उसके बाद वो पैलेस की खिड़की से बाहर उड़ गए. फ्लू मीन्स उड़ना, पास्ट फॉर्म ऑफ फ्लाई. सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डिड द विकेड क्वीन प्लान वेन एलिजा वॉज अबाउट टू टेक हर बाथ. क्वेश्चन है कि एलिजा जब नहाने जा रही थी तब उस वक्त विकेड क्वीन ने क्या प्लान किया, क्या चाल चली. आंसर, वन मॉर्निंग वेन एलिजा वॉज अबाउट टू टेक हर बाथ द क्वीन वेंट इन टू द बाथरूम. एक सुबह जब एलिजा नहाने के लिए जाने ही वाली थी तो उस वक्त क्या हुआ, जो क्वीन थी वो बाथरूम में गई, वेंट टू इन टू द बाथरूम. शी पुट 3 toads इन टू द क्लियर वाटर. और उसने क्या किया, थ्री टोड्स मतलब 3 मेंढकों को उस साफ पानी में डाल दिया. She asked one toad to sit upon her head. और उसने एक मेंढक को कहा कि तुम राजकुमारी के सर पे बैठ जाना. Second one to sit upon her forehead. और दूसरे वाले को कहा कि तुम उसके माथे पे बैठ जाना. And third one to sit upon her heart. और तीसरे वाले को कहा, तीसरे मेंढक को कहा कि तुम राजकुमारी के हार्ट पर, दिल पर बैठ जाना. अब ऐसा क्यों किया, द क्वीन वॉन्टेड हर टू बिकम स्टूपिड, अगली एंड ईविल. क्योंकि वो
रानी, विकेट रानी, क्रूएल रानी चाहती थी कि राजकुमारी स्टुपिड हो जाए, बेवकूफ हो जाए, अगली मीन्स बदसूरत हो जाए, और एविल मीन्स बुरी हो जाए। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द टोड्स एंड व्हाई? टोड्स के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ? आंसर, द टोड्स हैव बीन चेंज्ड टू रेड रोजेज़। कि टोड्स जो थे, मेंढक जो थे, वो क्या बन गए? वो लाल रंग के गुलाब बन गए। वाई, क्यों बन गए? बिकॉज, क्योंकि दे हैड रेस्टेड ऑन एलिजाज हेड, फोरहेड एंड हार्ट। क्योंकि वो एलिजा के सर पर बैठे थे और फोरहेड पर बैठे थे और उसके हार्ट पर बैठे थे, तो वो इतनी अच्छी थी कि मेंढक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बल्कि और उसने उनका अच्छा कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड एलिजा लीव द पैलेस? एलिजा ने महल को क्यों छोड़ा? एलिजा ने महल क्यों छोड़ दिया? क्योंकि द विकेड क्वीन मेड एलिजा अगली। द विकेड क्वीन मेड एलिजा अगली, उसको बदसूरत बना दिया था। और फिर क्या हुआ? हर फादर डिक्लेयर्ड दैट शी इज नॉट हिज डॉटर। और फिर उसके फादर जो किंग थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया, ऐलान कर दिया, घोषणा की कि वो उनकी बेटी नहीं है। नो वन रिकॉग्नाइज्ड हर, किसी ने उसको नहीं पहचाना। सो एलिजा लेफ्ट द पैलेस, और इसलिए एलिजा महल छोड़कर चली गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, गो आउट इन टू द वर्ल्ड एंड गेट योर ओन लिविंग। तुम बाहर की दुनिया में जाओ और अपनी ज़िंदगी खुद चलाओ। ये एक लाइन है और इसमें से हमसे तीन क्वेश्चंस पूछे गए। दे हैव आस्क्ड थ्री क्वेश्चंस, ए बी एंड सी, एंड वी हैव टू आंसर। तो पहला क्या क्वेश्चन है? हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हूम? ये शब्द किसने कहे हैं और किससे कहे हैं? तो आंसर है द विकेड क्वीन। विकेड क्वीन ने कहा है, और किससे कहा है? टू द 11 ब्रदर्स, वो जो 11 राजकुमार थे, ये उनसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्पीकर से दिस? जो स्पीकर है, जो बोलने वाला, उसने ऐसा क्यों कहा? अच्छा, यहाँ पर बोलने वाला कौन है? विकेट क्वीन। तो उसने ऐसा क्यों कहा? स्पीकर सेड दिस बिकॉज शी डिड नॉट लव द पुअर चिल्ड्रेन एट ऑल। क्योंकि वो उन बेचारे बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। पुअर मीन्स गरीब नहीं है यहाँ पर, यह है बेचारा, हेल्पलेस। सी, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लिसनर्स टर्न इनटू एंड वेयर डिड दे गो? जो सुनने वाले थे, यानी कि 11 प्रिंस जो थे, वो क्या चीज़ में बदल गए और कहाँ चले गए? वेयर डिड दे गो, कहाँ गए? तो आंसर है द लिसनर्स वर टर्न्ड इनटू द 11 ब्यूटीफुल वाइल्ड स्वैंस। जो सुनने वाले थे, लिसनर्स थे, वो 11 खूबसूरत वाइल्ड स्वैंस में चेंज हो गए। और कहाँ चले गए? इनटू डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों में चले गए उड़ के। ओके, अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या है? व्हेन एलिजा कम्स टू द बाथ, सीट योरसेल्फ अपॉन हर हेड। जब एलिजा नहाने के लिए आएगी, तो तुम उसके सर पर बैठ जाना। क्वेश्चन है, हु सेड दीज वर्ड्स टू हूम? ये वर्ड्स किसने कहे और किससे कहे? तो मालूम है हमें किसने कहे? द विकेट क्वीन। विकेट क्वीन ने कहे, और किससे कहे? टू द फर्स्ट टोड, जो पहला वाला मेंढक था, उससे कहे। ठीक है। बी, व्हाट डिड द स्पीकर वांट एलिजा टू बिकम? जो स्पीकर है, वो एलिजा को क्या बनाना चाहती हैं? द स्पीकर वॉन्टेड एलिजा टू बिकम स्टूपिड। स्पीकर जो है, वो चाहती हैं कि एलिजा जो है, वो बेवकूफ़ बन जाए, स्टूपिड हो जाए। थर्ड, व्हाट हैपेंड व्हेन द लिसनर्स सेट ऑन एलिजाज हेड? सुनने वाले, यानी कि टोड्स, जब वो टोड्स एलिजा के सर के ऊपर बैठे, तो क्या हुआ? हैपन मीन्स होना, क्या हुआ? आंसर है, व्हेन द लिसनर्स सेट ऑन एलिजाज हेड, दे बिकम रेड रोजेज। जब लिसनर्स, यानी कि सुनने वाले, यानी मेंढक, एलिजा के हेड पर बैठे, तो वो
रेड रोज में बदल गए, वो मेंढक से रेड रोज बन गए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, अंडरस्टूड। सो विल मीट नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।